देहरादून में 200 से ज्यादा कौओं की मौत। भंडारी बाग में मृत पाए गए कौए सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सभी कौओं को मालसी डियर पार्क में चलाया गया। बर्ड फ्लू की जताई जा रही है आशंका। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 200 से ज्यादा कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी है। संक्रमित दूसरे राज्यों में चिकन और अंडे नहीं मंगाए जा रहे हैं। एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है। इस बीच देहरादून के भंडारी बाग में 200 के करीब कौए मृत मिले हैं। डीएफओ राजीव धीमान ने बताया कि पीपी किट पहनकर सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवीन पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नवीन, पहले से अलर्ट मोड पर प्रशासन था, लेकिन अब कौओं की मौत के बाद किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं, अलर्टनेस दिख रही है? जी बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि आज भंडारी बाग, देहरादून में भंडारी बाग जगह है, वहां पे लगभग 200 कौओं की मौत की बात सामने आई। उसके बाद से काफी हड़कंप मच गया और वहां पे प्रभागीय वन अधिकारी यानी वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची और देखा गया तो कौओं की मौत हुई थी। खास बात ये इसमें रही कि जो कौवे मरे थे वो हालांकि कुछ समय पहले की थी, क्योंकि उनके काफी सड़े हुए मतलब तो मांस बरामद हुए। उसके बाद से वहां पे प्रभागीय वन अधिकारी की तरफ से पीपी किट के द्वारा सभी कर्मचारियों को भेजा गया, वहां से सैंपल लिया गया, सैंपल को भोपाल जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद से एहतियातन सारे कौओं को लाकर कब्जे में लेके और उसको मालसी डियर पार्क है उसके पास में जलाने की कार्रवाई शाम तक की गई है। अभी लेटेस्ट अपडेट पंकज ये है कि अभी इसके बाद से जो है तुरंत महानिदेशक स्वास्थ्य ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने पशुपालन विभाग, पशुधन जितने भी अधिकारी हैं, और ये पूरे स्टेट के लिए जारी किया है जो महानिदेशक स्वास्थ्य है, उन्होंने कहा है कि एहतियात के तौर पे सारे लोग, पशुधन के अधिकारी और पशुपालन विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी एक टीम बना के और तुरंत जो है इस पे जहां भी जिलों में इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो उसको आगे बताएं और आगे कार्रवाई करें। और एक जो प्रशिक्षित टीम है, क्योंकि बर्ड फ्लू को लेकर बार बार ये बात आती रहती, तो कुछ टीमें ऐसी ऑलरेडी यहाँ पे राज्य में है जो इसमें काम करती है या उन्हें इस मामले में अनुभव है, तो इसको लेके एक प्रिकॉशन भी लिया गया है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, आपके फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया नवीन। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, अब जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी तब मामला साफ होगा।